इट्स नॉट दैट के मतलब मैं आई एम रिजेड समथिंग लाइक दैट बट आई एम अ वेरी सॉर्ट ऑफ लाइक इट कहना चाहिए ना शाय पर्सन आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल इन वेरी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं बट हम चाहते हैं कि हम आपसे hmm. बात करें और हम आपसे सीखें और हम जानें कि आपने अपनी ज़िंदगी का इतना लंबा अरसा अकेले गुजारा Uh, मतलब अपने बच्चों के साथ गुजारा और बड़ी ही मीनिंगफुल ज़िंदगी रही आपकी ऐसा नहीं है कि कोई mm. आपने ज़िंदगी में मतलब बहुत कुछ अचीव किया हम चाहते हैं ये जानना और हम चाहते हैं कि लोगों को ये बात पता चले कि आपने कितनी स्ट्रगल की और कितना मुश्किल दौर देखा और आपने कॉरपोरेट uh, सेक्टर में काम किया तो ओबियसली और जिस टाइम पे किया लाइक uh, like, uh, अगर हम बात करें यानी एटीज़ की बात है ये जब 80's. आपने एटीज़ में mm. उस वक्त तो औरतों में मतलब वो टीचिंग के लिए भी उन्हें शायद ही उन्हें इजाज़त मिलती थी कि जी वो टीचिंग भी कर सकें तो आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है वो काम किया और बड़ा अपना लोहा मनवाया और कहते हैं कि मतलब आपका नाम अभी भी उन जगहों पे जो है वो जाना जाता है पहचाना जाता है लोग आपकी मिसालें देते हैं कि आपने किस तरह जो है वो मर्दों की एक जो होती है ना इस तरह की एक कहते हैं एक बैठक जहाँ पे खावतीन का तो कोई आ, नाम ही नहीं, नहीं है वहाँ आपने बहुत अरसे तक काम किया नाम बनाया अपना और बड़ी उसके साथ आपकी जाहिर है एक स्ट्रगल रही आपका यू आर अ सिंगल मॉम आप, आपने अपनी बच्ची के लिए भी बहुत स्ट्रगल की उसको आपने एक मुकाम पे ला के खड़ा किया वो अब जो है वो माशाल्लाह से अपना उसने बड़ा नाम बनाया है और अब आप अपनी जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन uh, हैं जो उसके बच्चे हैं यानी बच्चों के बच्चों को भी अब आप देख रही हैं और अब अब आप, आप उनको तैयार कर रही हैं अब आप उनकी जो है वो पूरी तरबियत तालीम चीज़ें सारा कुछ देखते हैं तो ये तो हमने सुना है कि खातन अपने बच्चों के लिए बड़ा सैक्रीफाइस करती हैं और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी देती हैं और बहुत सारी चीज़ों को करना भी पड़ता है उन्हें ना चाहते हुए भी तो आपने अपने बच्चों के लिए भी किया फिर उसके बाद उनके बच्चों के लिए भी करी हैं तो ये इतनी मोटिवेशन कहाँ से आएगी आपके पास और बस फातम एक्चुअली लाइफ में जो मैंने जिस तरीके से मैंने लाइफ स्टार्ट की थी तो माई मदर वॉज माई जिसको कहना चाहिए so. तो फिर मेरा एम जो था वो मेरा लाइफ लाइन जिसको कहते हैं ना इस hmm. uh, इसके अंदर इट वॉज लाइक माई मदर एंड माई डॉटर आई वॉज फोकसिंग ऑन और उसके बाद फिर आई हैव स्ट्रगल क्वाइट अ लॉट जिसको कहते हैं एंड आई रियली फेस सो चेंजेस फेसो और एक तरीके से जैसे आपने कहा ना कि वो मर्दों का ज़माना था मैं तो अक्सर हंसी मज़ाक में मैं कहती थी कि मैं तो ऐसा लगता है एज इफ आई एम सिटिंग इन वो कहते हैं ना रेल के डब्बे होते हैं सैग्रीशन होते oh, हैं yes. कि ये मर्दाना वो <laughs> मैं <दबाग laughs> ये कहती थी मरदाना डब्बे yeah. इतफाक ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ मैं गई तो वहाँ उस जगह पे उस वक्त आई वॉज द ओनली वन लेडी ठीक है थी और मैंने अपनी जो मतलब ये ये जो कहते हैं लोग खुतन के घरेलू ख़ात कुछ कर नहीं सकती जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता बट मैंने ये साबित किया कि वन देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे और आप अपने आप को किस तरीके से मतलब मनवाते हैं और किस तरीके मेरा एम ये नहीं था कि मैं मनवाऊँ या अपने आप को शो ऑफ करूँ मेरा ये कहना था कि मैं किसी चीज़ से भी पीछे हट के नाकाम नहीं हो, होना चाहती मतलब जो भी काम किया मैंने बहुत दिल लगा के और बहुत डेडिकेशन से किया इवन अब जैसे इस स्टेज पे आके खुवान कहती हैं कि हम नहीं जाते किचन में नहीं जाते बस अब हमारा इट्स ओवर uh, हो गया हुँ. हमारा अब ये टाइम नहीं है और कहते हैं कि नहीं हमारा तो अब मी टाइम ही है फ्रेंड्स के साथ सै. और अपना इवन जो जो मेरी बच्ची की मतलब जो आती हैं मदर्स आती हैं तो वो कहती हैं इट्स रियली शॉकिंग एंड वेरी वो भी है कि अब तुम्हारी मदर अभी तक तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती कहते हैं उनके घर में तो ये होता है कि उनके साथ उनके बच्चों की मेड्स हाँ। आएगी टाइमली आएंगे लंच लेंगे डिनर लेंगे एंड देन दे आर ऑफ बिल्कुल बिल्कुल और मैंने जो भी काम किया जहाँ भी किया जब भी किया मैंने बहुत शौक से किया अगर मुझे वो क्लिनिंग का काम था तो वो भी मैंने बहुत शौक से किया चिड़चिड़ा के नहीं किया लाइफ में जो भी काम किया किचन में खड़ी हुई तो बहुत शौक से खड़ी हुई और अभी तक बच्चों के साथ अच्छा लोग ये कहते हैं कि जब आप इतनी नौकरी कर लें तो घर में नहीं बैठ सकते चैन से और वो भी मैंने हर मतलब चीज़ साबित करके दिखा दी गलत। कि मतलब गलत जो... कह दें या मतलब मैं अपने में मगन थी मेरी एक अपनी एक दुनिया थी सोच थी मैंने बच्चों की खातिर मतलब उसके मेरी बेटी के जो मतलब जिस तरीके से फैमिली वे में शी एंटर्ड इनटू दैट तो फिर मैंने उसकी रिस्पांसिबिलिटीज ले ली और उसको मैंने ग्रो करने का